तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर मैं सैरी खा रही हूँ। और सैरी का टाइम जो होता है ना सुबह सुबह का, बहुत जल्दी गुजर जाता है। चाहे सैरी का टाइम हो, चाहे अफ्तारी का टाइम हो, एंड के जो कुछ मिनट्स होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि जो अफ्तारी का टाइम होता है ना, वो बड़ी देर से गुजरता है, एंड लम्हा लम्हा जो है ना, वो बड़ी देर से गुजरता है। लेकिन जो सैरी का होता है ना, ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो यहाँ पर मैं सैरी खा रही थी, तो इतनी देर में जो है ना, वो कम्प्लीट हो गई थी सैरी मेरी, और टाइम भी अफ्तारी सैरी का ख़त्म हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और अपने जो रोज़े हैं ना, रमज़ान का महीना है, वो अच्छे से गुजार रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, नमाज़ें पढ़ रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। तो जनाब जो है ना, पहला अशरा कम्प्लीट होने वाला है, कल जो है वो 10वां रोज़ा है। पता ही नहीं चला कैसे दिन गुजर गए। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोग रोज़े रख रहे हैं, तो रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर जनाब बताती चलूँ कि व्लॉग्स मैं नहीं अपलोड कर पा रही, बड़े दिन हो गए यार, तबीयत ठीक नहीं है। और आप लोगों ने आपको वट्टा चुक के मुझे मारना है कि यार ये तुम्हारा यही काम है रोज़ाना बताना कि तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं यार यही फिर बताने के लिए आई हूँ यार कि तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, क्योंकि अब्बू ने मुझे कहा था कि खुशाब में जो है ना, खुशाब शहर में एक अदद हकीम साहब हैं, तो वो जो है ना, उनकी मेडिसिन अच्छी है, आपको मैं वहाँ लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या पता आराम आ जाए। और यकीन करो आप लोग यार, आप लोग यकीन करो कि मुझे कितने दिनों से मुसलसल जो है ना, इस जगह पे दर्द है, आँखों में दर्द है, आधे सर में दर्द है माइग्रेन का, और मेरी जो गालें हैं ना, ये भी दुख रही हैं, आँखों के ऊपर वाला सारा पोर्शन, नाक के पास गुलाई में सारा दुख रहा था, दांत भी दर्द कर रहे थे, गर्दन में भी दर्द जा रही थी, इतनी बुरी मुझे दर्द थी माइग्रेन की। तो मुझे जो है ना, वो आराम ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर अब्बू और मेरी सिस्टर जो है ना, जो अक्सर मेरे साथ होती है, तो हम लोग जा रहे थे खुशाब यहाँ पर अब्बू के साथ मेडिसिन लेने के लिए। और यहाँ पर हम खुशाब पहुँच आए थे, और उसके बाद जनाब खुशाब में वो हकीम साहब थे, उन्होंने जो है ना नब्स पकड़ी, और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, ये। तो मेरा वही एक होता है कि बस जी हकीम साहब ने रट्टा लगाया हुआ है और सबको यही बता रहे हैं, तो ये जी नब्स चेक हो रही है, डांस कर करके ना नब्स चेक हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं इनका कोई तरीक़ाकार होता है ना नब्स चेक करने। तो यहाँ पर नब्स चेक की, और उसके बाद उन्होंने रटे रटाए चंद जुमले बोले, और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन दे दी। मेरा तो जाने से पहले यकीन नहीं था, पता नहीं यार मेरा तो यकीन ही नहीं होता किसी चीज़ पर, इसलिए शायद मुझे आराम ही नहीं आता। और यकीन इसलिए नहीं होता यार, मैं देख रही हूँ ना, इतना इतना कुछ मैं ले चुकी हूँ, काट चुकी हूँ, आराम नहीं आ रहा। तो फिर इन गली मोहल्ले की कीमत से मुझे क्या आराम आना है। लेकिन फिर वही बात, सवा वो कहते हैं ना, आराम आना हो तो सवा की चुंडी से भी आ जाता है, तो ये सोच के मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ से मेडिसिन ली है, और मेरी सिस्टर ने भी ली थी अपनी, और यहाँ पर बैठे हुए थे। और मैं यहाँ आप लोगों को दस रही हूँ कि यार बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। बाइक पे आई थी ना तो झटके लगते थे, उससे भी मेरा दिमाग का मगज़ हिल रहा था, मेरी बहुत बुरी कंडीशन है यार। मैं क्या व्लॉग बनाऊँ यार, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, दुनिया चांद में पहुँच गई है, और मेरे से व्लॉग ही अपलोड नहीं होता, बनता ही नहीं है, मतलब से सेहत ठीक नहीं होती। माइग्रेन की दर्द जिन जिनको होती है ना, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कितनी बुरी होती है ये, वो बंदा ही जानता है जिसको होती है, या बस वही बंदा जानता है, अगला नहीं जान सकता। नमाज पढ़ने में भी मुश्किल होती है, सजदा करने में भी मुश्किल होती है, दिमाग पिघला होता है। तो ये वजूहात हैं यार व्लॉग अपलोड ना करने की। यहाँ पर हम लोगों ने मेडिसिन ली, और उसके बाद हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। तो आप लोगों ने बताना है यार, आप लोग भूल ही गए हो यार, आप लोग बस क्या करूँ, आप लोग मैसेज ही नहीं करते, कोई कमेंट ही नहीं करते, भूल जाते हो। बंदा बताता तो है ना यार कि हम लोग आपको याद कर रहे हैं, कोई व्लॉग बनाए आप, या कोई सामने आए आप, तो आप लोग बस कहते हो बस गई जान छुट्टी, रोला मुक्का। तो मुकने नहीं देना रोला, कभी ना कभी तो फिर आ ही जाना है ना, फिर व्लॉग आ ही जाता है फिर मेरा, तो रोला मेरा सुनने को आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पर अब्बू गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए हमें छोड़ के, तो जैसे ही अब्बू आए तो उनको मैंने पैसे पकड़ाए कि आप ये हकीम साहब को खुद ही दे दें, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से रवाना हो गए थे। और बाहर निकले तो ये देखे हकीम साहब रगड़ रहे हैं फक्कियाँ दवाइयाँ, लेकिन यार आने का फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, आने का 2400 की दवाई थी मेरी भी और सिस्टर की भी, दोनों की मिला के। मेडिसिन हमने ले ली है हकीम साहब से, और हम ज़िला खुशाब में इस टाइम मौजूद हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है खुशाब है, मैं पहली बार आई हूँ खुशाब के। हाँ नहीं नोट खुला हुआ चेंज करके दो, बंदा दे इसको, नोट खुला हुआ चेंज कर दे, नोट खुला हुआ। यहाँ पर मैं मेडिसिन लेने के लिए जब गई थी ना, तो टाइम हो रहा था, मतलब असर की नमाज़ पढ़ के मैं गई थी, और ये रमज़ान शुरू होने से एक दिन पहले का व्लॉग है, यानी कि कल रोज़ा था और ये एक दिन पहले का व्लॉग है। मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ यार, फिर पता है कि आप रमज़ान में आपको पता है टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं जा रही थी, नहीं बल्कि अब वापस आ रही थी, और यहाँ पर ये रस्ते में हमारे जो है ना वो गाड़ियों का शोरूम है, बहुत लंबी जो है ना जोराबाद और खुशाब के दरमियान में ये गाड़ियों की एक लाइन है, यहाँ पे शोरूम बना हुआ है। पहले ये जगह बिल्कुल वीरान होती थी, लेकिन अब जो है ना बहुत तरक्की हो गई है भाई, चलती हुई गाड़ियाँ भी बिक रही हैं यहाँ पे, और नई गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फिर मैं घर पहुँची, और उसके बाद जो है ना
घर के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले, ना ख़त्म होने वाले काम जो है ना वो फिर शुरू हो जाते हैं। और आज मैं वो देख रही थी माशाल्लाह से एक बच्चा जो बड़ा वायरल हुआ हुआ है, शेराज़ी जो है ना, शेराज अहमद व्लॉग्स के नाम से उसका शायद चैनल है, तो उसकी वीडियोस में देखती हूँ यार माशाल्लाह क्या वो बच्चा है और क्या उसकी किस्मत है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक जब देने पर आता है ना इंसान को तो ऐसे देता है कि वो बच्चा माशाल्लाह अल्लाह उसे और कामयाब करे, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की उसे दे। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, आजकल वायरल जा रहा है और बड़ी खुशी होती है उसको देख के कि माशाल्लाह इतना सारा है और अल्लाह से, अल्लाह ने अभी से जो है ना उसे फेम दिया है और माशाल्लाह से वो अभी से कहाँ पहुँच गया है। और हम जैसे जो है ना कल्ले टकरे मार रहे हैं, कभी इधर कभी उस कंध में तो कभी उस कंध में, लेकिन हम जो है ना नहीं निकल पा रहे। इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलियात होगी भाई, ये तो मतलब मानने वाली बात है ना, हर काम के पीछे अल्लाह की बेहतरी होती है। मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ और सर मेरा दर्द से फट रहा है। बता नहीं सकती मैं आप लोगों को कि मेरी यहाँ पे क्या कंडीशन थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना नमाज़ मैंने सिर्फ 3 फ़र्ज़ पढ़े और मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि मुझे जो है ना जल्दी से डिस्प्रीन ला दो। काफ़ी टाइम से पी रही हूँ डिस्प्रीन, खा रही हूँ पी रही हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो क्या पता फ़र्क पड़ जाए, तो यहाँ पे मैंने जाए नमाज़ पे बैठे बैठे डिस्प्रीन पी और मैं उठ गई थी 3 फ़र्ज़ पढ़ के, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं सजदा कर सकूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया सर में। अब ये जनाब अगले दिन का व्लॉग है अफ्तारी टाइम का, और बड़े बड़ी अफ्तारियों की वो जो पार्टियाँ हैं चीज़ें हैं ना वो शेयर हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ पकौड़े बनाए और रोज़े मैं शुक्र अल्लाह पाक का सारे रख रही हूँ। शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह पाक ने जो है ना बड़ी हिम्मत दी हुई है मुझ नकम्मी को भी, तो रोज़े मैं सारे रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े बनाए थे, बजट जो है ना वो बड़ा डाउन जा रहा था, तो मैंने कोई फजूल खर्ची कोई ऐयाशी नहीं की और पहले रमज़ान से अब तक सिर्फ पकोड़े बना लेते हैं और हम जो है ना रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं और बहुत मज़े का लगता है यार। इतना सेट, इतना सा भी जो खाना है ना, आप यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है। मैं हैरान होती हूँ लोगों पे जो दस्तरखान भर लेते हैं और फिर उनसे खाया भी नहीं जाता और हर चीज़ फ्रिजों में जाती है, फिर अगले दिन वो कहीं बाहर जा रही होती है, फेंक रहे होते हैं तो कभी कुछ मतलब इधर उधर दे रहे होते हैं, तो वो इतना नहीं खाया जाता। वो इंसान को बहुत होता है कि भाई ये भी चीज़ बना ले वो बना ले, लेकिन खाई नहीं जाती। तो मैंने यहाँ पर जो है ना आज 9वां रोज़ है, तो आज मैंने बनाई थी फ्रूट चाट, वरना जो है सिर्फ हम पकोड़े बना रहे थे और बिल्कुल जो है ना वो पानी, गुड़ वाला पानी, वो बड़े मज़े का लगता है। मैंने ताशा अवकाश की वीडियो में देखा था, वो बनाती होती हैं अक्सर शक्कर कोला के नाम से ना, सिर्फ गुड़ को घोल के पानी में, उसमें तुखम मलंगा डाल के, तो फिर वो एक बड़े मज़े का पानी ड्रिंक बन जाता है, तो वो वाला बहुत अच्छा लगता है। गुड़ पड़ा हुआ था वो मीठा पानी बना लेते हैं, और कभी आप भी बना के देखना बहुत अच्छा बनता है। जामे शीर से ज़्यादा वो अच्छा मुझे लगा। और साथ जिस तरह से पकौड़े बना के ना तो हम लोग जो है इफ्तारी कर लेते थे, अब तक यही रूटीन चल रही थी। तो आज जो है ना मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, तो बाकी व्लॉग इंशाल्लाह अब आ ही गई हूँ तो फिर हो सकता है कल फिर शेयर कर ही दूँ। बस बड़ी गंदी रूटीन ख़राब हुई हुई है यार बहुत अरसे से, और पता नहीं अभी कब तक चलती है, लेकिन उम्मीद है कि सेहत बहाल होगी ना तो मैं भी रेगुलर हो ही जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है पकौड़े बन के तैयार हो रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर मैं जो है ना बताती चलूँ कि मैं जो है ना घर में सालन वगैरह नहीं बना रही, क्योंकि मैं अकेली हूँ रोज़ा रखने वाली और घर में मैं मौजूद अकेली एक खातून हूँ कि जो रोज़ा रख रही हूँ, तो बच्चे छोटे हैं अभी। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी के घर से सालन आ जाता है, ये अम्मी के घर से दोपहर को मैं दोपहर में गई थी तो बिरयानी पड़ी हुई थी कल की वो ले आई थी, और शाम को फिर अम्मी ने सालन बनाया था आलू चिकन का, तो शाम को फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि लेना है तो ले जाओ, तो मैं गई तो मैं सालन भी ले आई थी। तो मेरा जो है ना गुजारा इस तरह से चला हुआ था, तो रमज़ान इस तरह से गुजर रहा है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छा गुजर रहा है। रमज़ान जो है ना इस दफ़ा बहुत ठंडा है और बहुत आसानी से रोज़े रखे जा रहे हैं, और अब जो आगे आगे दिन आ रहे हैं ना वो थोड़े गर्म आ रहे हैं, क्योंकि कल से पंखे स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसे ही पंखे स्टार्ट हुए ना यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितने सुकून में आ गया हूँ उस टिनाइटिस वाले रोले की वजह से। मतलब मुझे अब सुकून की नींद आना शुरू हो गई है। कल मैंने पंखा चला लिया था, हालांकि थोड़ा बहुत था अभी, मतलब ठंड थी कसर थी, मैं नहीं चलाना चाह रही थी, लेकिन मैंने चला लिया। मैंने कहा नहीं यार अभी चलाते हैं और सुकून से सोते हैं, तो अब यकीन करें बहुत मज़े की जो है ना मुझे नींद आई। तो मेरे लिए तो गर्मियाँ बेस्ट हैं, वैसे मुझे अच्छी नहीं लगती गर्मियाँ, लेकिन इस मसले की वजह से ना मेरे लिए गर्मियाँ बेस्ट हैं। तो यहाँ पर अफ्तारी हो चुकी है हमारी, और बस सब कुछ रख के मैं बैठ गई थी, दोनों बच्चे भी बैठ गए थे, और जैसे ही फिर वो घुग्गू बोला ना, मतलब सायरन बोला, तो हम लोगों ने यहाँ पर अफ्तारी कर ली, शुक्र अल्लाह पाक का। अब आ गया जी यहाँ पे अगला दिन, ठीक है। कहाँ जा रही हूँ मैं, मुझे खुद भी नहीं पता, अभी मैं आगे देखूँगी तो मुझे समझ आएगी, याद आएगी कि मैं कहाँ जा, हाँ यहाँ पर मैं जा रही हूँ राशन लेने के लिए। एक सिस्टर हैं तो उन्होंने पैसे भेजे थे कि जो है ना वो राशन लेके देना है, तो दो फैमिलीज़ का जो राशन है ना वो मैंने लिया है यहाँ पे। और पिछले रमज़ान में तो कुछ ऐसे था कि बहुत सारे लोगों ने दिया था और बहुत सारे लोगों को मैंने बांटा था, लेकिन बस इस रमज़ान में कुछ यूट्यूब पे ख़ास वो नहीं कर रही ना, अपना काम नहीं कर रही और मैं इन चीज़ों में पड़ी नहीं हूँ,
तो इस वजह से जो है ना इस महीने में इस साल यानी कि कुछ ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया मेरा, ना किसी ने मुझसे किया। लेकिन यह है कि जिन सिस्टर ने पैसे दिए थे ना, तो फिर मैं बाज़ार आई थी, यहाँ पर रोज़ा भी था और ये 2 दिन पहले का व्लॉग है, 2 से 3 दिन हो गए शायद, मुझे अब से याद ही नहीं है, 2 दिन हो गया कि 3 दिन हो गया। तो यहाँ पर मैं बाज़ार गई, सिस्टर मेरे साथ थी और रिक्शे पे गए और बस वहाँ से राशन लिया 2 घरों का। और इस दफ़ा 2 घरों का राशन जो है ना 10,000 में यानी कि 20,000 में राशन था और बस बेसिक चीज़ें थी ज़रूरत की। पर जैसे हर साल आप लोग देखते हैं ना मेरे चैनल पे कि बहुत बहुत कुछ होता है, मतलब मैं हर चीज़ लेके आती हूँ और खुला मैं राशन देती हूँ, ये नहीं कि 1-1 किलो 2-2 किलो चीज़ नहीं, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं था और मेरे घर से इतने लोग गए हैं ना कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। और ये जो 2 राशन के पैकेज थे ना, ये मैंने जिनको दिए थे वो मेरे मोहल्ले के ही थे। और एक फैमिली तो वो थी कि जो पकौड़ों की गंडेरियों की रेडी लगाते हैं ना, तो उनको मैंने दिया था एक पैकेज, और एक और फैमिली उसको दिया था। तो जब वो लेके निकल रहे थे दिन को, मैंने उनको बुला लिया था। जैसे ही मैं यहाँ मतलब असर की नमाज़ पढ़ के गई थी ना परसों, तो जैसे ही मैं गई घर से और लेके आई, तो मगरिब की अज़ान होने से आधा घंटा पहले उस फैमिली को मैंने बुला लिया कि आप आगे उठा के ले जाएं। तो वो डर रही थी, वो कह रही थी कि मैं कैसे लेके जाऊँ, बाहर गली मोहल्ले में लोगों ने देख लेना और फिर मेरी शामत आ जानी है। मैंने कहा मेरी ज़्यादा आनी है, सामने मेरे घर चल पड़ना है क्योंकि बहुत हालात ख़राब हुए हैं। आपको पता है कि वो सस्ते आटे का कोई फिर से रोला निकला हुआ है, हमारे हुक्मरानों ने जीने काबिल नहीं छोड़ा कसम से आवाम को। तो वो सस्ते पैकेज के पीछे ना, सस्ते आटे के पैकेज के पीछे जो राशन मिल रहा है, 2-2 किलो की चीज़ मिल रही है और लोग पागल हुए पड़े हैं। यकीन करें रोज़े की हालत में सुबह जाते हैं और 3-4 बजे खाली हाथ घर वापस आ जाते हैं, ये औरतों के हाल बने हुए हैं। और मर्द बेचारे भी ऐसे ही जो है ना वो फिर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने राशन लिया और उसके बाद जो है साथ ही बिल्कुल जहाँ से राशन लिया ना, वहाँ पर ये चीज़ें लगी हुई थी क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब था, तो सब लोग जो है ना ख़रीदारी कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ देख रही थी क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे कीमे के पकोड़े थे, सिंपल थे पकोड़े, और इसके अलावा कचौरियाँ लगी थी किसी खाते ही नहीं, जो कि अंदर कीमा बराए नाम और मैदा कच्चा। तो एक मैंने ली थी क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कचौरी नहीं खाई, हाँ ये है कि शौक़ था कि ये कैसी होती है, तो एक ली थी 100 रुपये की। और 4 समोसे लिए थे कच्चे। तो फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, घर आ गए तो फिर उसके बाद मैंने राशन को बांटा था और फिर उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज इस तरह की हैं कि जिनका कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो वो पिछले साल उनको दिया था राशन, तो इस साल फिर वो मेरे दरवाजे पे अम्मा आ रही थी और आंटियाँ आ रही थी। तो खैर मैंने उनको जो है ना वो प्यार मोहब्बत से समझाया कि भाई मैं अपनी जेब से नहीं दे रही थी, मेरे बहन भाई देते थे तो मैं आप लोगों को दे देती थी, इस दफ़ा नहीं आया तो मैं आप लोगों को कहाँ से दूँ। तो वो फिर दो तीन बार चक्कर लगा चुकी हैं इन 10 दिनों में ना रमज़ान के। तो ये सारा कुछ जो है ना हालात की वजह से परेशानी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये रहा आटा, और ये 2700 रुपये का 20 किलो का आटे का गट्टू है 2750 रुपये का। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 पैकेज तैयार करवाए थे जिसमें 5 किलो चीनी 2 किलो बेसन और 5 किलो घी, और इसके अलावा क्या था 5 किलो चावल थे, इसमें एक पत्ती का डब्बा था, बस ये चीज़ें थी। तो ये पैकेज जो है ना, खजूरें भी थी 1 किलो, ये चीज़ें थी जो कि एक पैकेज में थी। तो बस इस तरह से जो है दिन बहुत अच्छे से गुजर गया मसरूफियत में, और बस इस तरह से जो है ना रोज़े का पता नहीं चला। होता है ना कि रोज़ा रख के आप लोग हिलजुल नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा ऐसा नहीं है। मैं 1-2 रोज़े मुश्किल थे मेरे लिए, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह मैं ऐसे फिरती हूँ कि जैसे मेरा रोज़ा ही नहीं है। मैं ऐसे माशाल्लाह एक्टिव होती हूँ, माशाल्लाह मैं थकती नहीं हूँ एंड टाइम तक, मैं काम भी करती हूँ घर के, मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, और उसके अलावा जो है ना बाहर के काम भी मैं कर आती हूँ जो मेरे होते हैं पेंडिंग। तो हालात जो है ना यार दिन ब दिन जो है ना आगे से आगे जा रहे हैं, गरीब बंदे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। तो बस जितना जिसके लिए आप जहाँ आसानियाँ कर सकते हैं ना, आप ज़रूर करें। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है ना, आप अपने आसपास ज़रूर देखें कि कौन मुस्तहिक है, ज़्यादा नहीं तो अपने ख़ानदान से लेकर अपने गली मोहल्ले तक तो आप नज़र रख ही सकते हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है। तो मांगना बहुत मुश्किल होता है किसी से भी, कोई भी चीज़ मांगनी ना बहुत मुश्किल होती है। तो इससे पहले कि कोई आपकी तरफ सवालिया निगाह से देखे, आप देखें कि वो मुस्तहिक है, तो आप कहे बगैर उसकी जो है ना ज़रूरत पूरी कर दिया करें। इससे भी अल्लाह बड़ा ही खुश होता है और बड़ा ही अच्छा ये काम है कि किसी के सवाल करने से पहले आप उसको दे दें, और अल्लाह आपको इस तरह और देगा और इसका अजर भी अल्लाह ही आपको देगा। तो बस यहाँ पर मैं ये चीज़ें अलग अलग कर रही थी। घी जो था ना वो था 20 किलो घी था, 5-5 किलो मैंने उस पैकेज में डाला था, और 5-5 किलो मैंने मोहल्ले की 1-2 खवातीन थी, उन्होंने मुझसे मांगा था, तो मैं सिर्फ उनको राशन तो नहीं दे पाई सारा, तो 5-5 किलो मैंने उनको दे दिया था। तो इस तरह करके जो है ना ये सारा पैकेज तैयार हो गया और बांट भी दिया मैंने।
तो ये है रमज़ान की बरकतें और रौनकें जो कि एक दूसरे की हेल्प लोग करते हैं और एक दूसरे का एहसास करते हैं, आगे पीछे भी करते हैं, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ होती है कि एक दूसरे को, हर इंसान को होता है कि दें, जो मुस्तहिक है उसको दें कम से कम, बाकी चीज़ें एक साइड पे, राशन खाना पीना अगले बंदे को दें जो नहीं अफोर्ड कर सकता, ताकि वो भी रमज़ान के रोज़े खुश होकर रखे। तो ये यहाँ पे बाजी आ गई थी लेने के लिए, तो इनका घर पिछली दो गलियाँ छोड़ के था, तो ये मुझे कह रही थी कि मैं सारा तो नहीं उठा के ले जा सकती, कुछ मैं हाथ में पकड़ के ले जाती हूँ और बाकी फिर मगरिब के बाद मेरे बच्चे आएंगे तो वो उठा के ले जाएंगे, दोनों बहन भाई ना गट्टू पकड़ के। तो यहाँ पर मैं उनको चीज़ें निकाल के दे रही थी। अब आपने चीनी लेके जानी है, घी या छोटी मोटी, ये दो चीजें हैं जो दे देना, और ये खजूर वगैरह, चीनी चीनी फिर मिक्स में बेसन दे दूं। हाँ बेसन दे, ये ले। अब ये जो चीजें हैं, अब ये चावल और चीनी है, पाँच किलो चावल है, पाँच किलो चीनी है, और ये आटे का गट्टू है। ये मोटी मोटी तीन चार चीजें आई हैं। हाँ जी, आमीन। एक पे आटा आ जाएगा ना, तो चलो चलो हाँ पकड़ा देना सर। चले बाजी, बाजी के लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, बेचारी हर साल लोगों को करती हैं जितनी उनकी हैसियत, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आमीन। तो फिर खोल रहे हो, घी डालना, ये कार्रवाई तो ऐसे रात के अंधेरे में चाहिए, लोग बेचारे परेशान हैं, अब लोग भी क्या करेंगे, सारे गली मोहल्ले में बेचारे, सारे तो गरीब घर हैं इधर, कौन सा अमीर है, जो देखेगा वही कहेगा मुझे भी दो तो मुझे भी दो, अब इतना बंदा नहीं काट सकता ना। चलें ठीक है भैया, क्यों तेनों डर लगता मतलब छेती छेती मैं बंद कर, खैर है कोई बात नहीं, कहना ये इसका सामान है, साथ लेके जाओ, इस गली से मुड़ जाओ पीछे से। चलें यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यही है, और उम्मीद है कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर करके जाएंगे, सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे अगर चैनल पर न्यू हैं। तो ये जो है ना ब्लॉग, आज मैंने इसलिए अपलोड कर दिया है कि ज़्यादा दिन चैनल पे अगर वीडियो ना आए ना तो चैनल की जो वो होती है ना वो नीचे चली जाती है रीच, तो इसलिए जो है वो मैंने अपलोड किया है। वैसे भी 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है आज कल परसों में और जो रोज़ाना कर रहे हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आप लोगों की मेहरबानी और वेलकम हो गया आपका मेरी यूट्यूब फैमिली में। तो इसी तरह जो है वो मुझे सपोर्ट करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि जो है ना मेरी ज़िंदगी के जो मसाइल है ना वो भी कम हो सकें, और मेरे लिए जो मेरी जो परेशानी है वो भी कम हो सके, और वो तब है कि जब डॉलर आएंगे, आप लोग वीडियो देखेंगे, व्यूज़ आएंगे और डॉलर बनेंगे ना, तब मेरी ज़िंदगी में आसानी और सुकून होगा। तो ज़ाहरी बात है सुकून ये वाला किसे नहीं पसंद, किसे नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन जो है ना बस सेहत ठीक होगी तो इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी पहले की तरह, जैसे कुछ महीने पहले मैं डेली बना रही थी, डेली मैं मेरा व्लॉग आता था, चाहे जैसा भी आता था डेली आता था, लेकिन अब वो वाले मामला हालात नहीं रहे, सेहत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। तो आपने रमज़ान के इन दिनों में मेरे लिए बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे ताकि मैं डेली व्लॉग बना के अपलोड कर सकूं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार, मिलती हूँ इंशाल्लाह कभी ना कभी, आज कल परसों, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।